भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता रविंदर सिंह रवि ने ज्वालामुखी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करके सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वे पूरे नहीं किए। वादे करके भूल जाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगा है। हमने बहुत ही विशेष आज 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। आज हम 75वीं सालगिरह अपने हिमाचल दिवस की मना रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, प्रदेशवासियों को बहुत बधाई। आज कुछ बिंदु आपके समक्ष में, जहां पूरे कुछ प्रदेश के और विशेषकर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के, आपके समक्ष यहां पर मैं रखने की कोशिश करूंगा। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो चुनाव नवंबर के महीने में हुए थे 2022 को, तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका जो एक बहुमत फैसला कांग्रेस पार्टी के हक में दिया। हम कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन दुख का विषय यही है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, चाहे वो ओपीएस का था, चाहे वो प्रदेश के महिलाओं को, जो लगभग आधी आबादी हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की है, उनमें से 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपये महीने की पेंशन देना, साथ में 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरियां देना, गोबर परचेज करना, दूध खरीदना, ऐसे कई वायदे उन्होंने वहां पर अपने घोषणा पत्र में किए थे। एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाकर वोट एंट ली, ऐसा ही आपको याद होगा कि सन 2002-2003 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जनरल, तो उसमें भी प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया था और ये वायदा अपने घोषणा पत्र में किया था कि हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हम देंगे। सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन जनता को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के झूठे बहकावे में कभी मत आए। मैं उसमें की बात करूं तो आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 18 लाख परिवार हैं और हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी सेवा में नौकरियां देने की व्यवस्था है, वो जो स्कूल में प्राथमिक पाठशाला में खाना बनाने वाली है, सबसे निचले क्रम की एक सरकारी कर्मचारी गिने होंगे, उससे लेकर चीफ सेक्रेटरी तक आउटसोर्सिंग डालकर, कॉन्ट्रैक्ट वाले डालकर लगभग 4 लाख एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं। सरकार फैसला करते हैं सभी को निकाल देना, नई भर्ती हम करेंगे तो भी 4 लाख भर्ती होंगे, तो 14 लाख परिवार फिर भी बेरोजगार रहे। लोग कांग्रेस पार्टी के झूठे बहकावे में आते हैं, 4 लाख भर्ती होंगे कुल, तो ये इस बार भी उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का वायदा झूठा वायदा जनता से किया। क्या स्वरूप उन्होंने बनाया है? ओपीएस जो केवल मात्र गुमराह किया है प्रदेश के कर्मचारियों को, प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि इस एनपीएस में अभी तक कितने कर्मचारी शामिल हुए हैं। आपने जो घोषणा की ओपीएस की, हमने ओपीएस के माध्यम से जो लागू कर दिया है, वो कितने कर्मचारियों को उसका लाभ मिला? 1500 रुपए की पेंशन जो आपने 2,31,000 देने का बजट में वायदा किया। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।